टास्क में हिंसक हुए विवियन डिसेना शायद हो सकता है कि इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन फैंस ने इस समय एक बात सोशल मीडिया पर उठानी शुरू की है विवियन डिसेना के फैंस ने, और क्लियरली भाई रजत दलाल को टारगेट करते हुए ये बात बोली है कि भाई रजत तूने भी ये चीज की थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बताऊं मैं आपको तो भाई विवियन डिसेना, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह और एलिस कौशिक, ये चार एक तरफ और रजत दलाल एक तरफ। रजत दलाल का अलग ही मसला चल रहा है अविनाश के साथ, लेकिन एक वीडियो, एक प्रोमो सोशल मीडिया पर आउट होता है वाईकॉम कलर्स इनकी तरफ से, और उस वीडियो में रजत दलाल चार्जअप करते हुए जाते हैं अविनाश की तरफ और मारने की कोशिश करते हैं। और उसी वीडियो में अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रजत हैज इवन पुश्ड ईशा सिंह, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अभी एक और प्रोमो आया जिसमें टास्क में विवियन जो है, विवियन और अविनाश, वो रजत दलाल को लेकर नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। पटकना, बेसिकली धक्का मार के नीचे गिराना, कुछ वैसा दिख रहा है। लेकिन इस समय फैंस क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि रजत दलाल जो है वो सिर्फ रश ही नहीं किए थे बल्कि हिट करने को गए थे अविनाश मिश्रा को तीसरे बार, और इसी बीच उन्होंने ईशा सिंह को भी पुश किया, बहुत तेज तरीके से पुश किया। इट वॉज वेरी हार्ड, जिसके बाद क्लियरली ये कहा कि वो इतना हार्ड धक्का था कि वो ऑलमोस्ट अपने सर पर गिरने से बची हैं या फिर शायद गिरी हैं। जिसके बाद ये बात सामने आती है कि फिर ये ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रजत को अविनाश और विवेक ने नीचे गिरा दिया तो फिर क्या मुद्दा हो गया? जब रजत किसी लड़की को धक्का मार सकते हो वो मुद्दा नहीं है तो फिर ये मुद्दा कैसे? ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, ऑल दो बिग बॉस के घर में हिंसा ये गलत चीज़ ही है और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन रजत दलाल को भी समझना चाहिए कि वो इस समय बिग बॉस के घर में है, ना कि अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर वो लोकेशन मांगते हुए फिरते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।